सब्सक्राइब कीजिए केले घोष चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, करियर घोष चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन पोस्टल सर्किल का जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया है उसके फुल डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। उसके साथ साथ इसके लिए जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आपको कौन कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए उसके डिटेल्स भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसी आया है इंडियन पोस्टल सर्किल में। लास्ट डेट टू अप्लाई है 14 अक्टूबर 2017। इसके बाद इसका जॉब डिटेल्स पे आ जाता है। जो पोस्ट नेम है वो है स्किल्ड आर्टिशियन ग्रेड 3 का। इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 4 पोस्ट। सैलरी होगा 5200 रुपीज से लेकर 20,200 रुपीज तक। उसके साथ ग्रेड पे मिलेगा 1,900 रुपीज। इसके बाद आ जाता है क्वालिफिकेशन पे। अगर आप 8 पास करी हुई है और उसके साथ साथ अगर आपके पास ITI का डिग्री है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एज लिमिट पे। मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए 18 इयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए 30 इयर्स एज ऑन 1st July 2017। इसके बाद आ जाते हैं नेशनलिटी, वो होगा इंडियन। जॉब लोकेशन है बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट, तो इसके लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं देन आपको ये जॉब मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस पे। हर एक कैंडिडेट को ऐसा एप्लीकेशन फीस 200 रुपीज पे करना होगा, लेकिन अगर आप उसके बाद इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं देन आपको एग्जामिनेशन फी के थ्रू 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होगा, ठीक है। ये आप IPO से दे सकते हैं, मतलब इंडियन पोस्टल ऑर्डर में भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप SC ST और वुमेन कैंडिडेट है देन आपको ये एग्जामिनेशन फी मतलब 500 रुपीज नहीं देना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई पे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई इन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज, 2 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड IPO। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा और उसके साथ साथ आपको सही सही डॉक्यूमेंट्स देके एंड आपका खुद का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ एंड IPO रिसिप्ट के साथ आपको भेज देना होगा इसका ऑफिशियल एड्रेस पे, मतलब मेल मोटो सर्विस नंबर 4 भुवनेश्वर रोड बेंगलुरु 5,06,001। इस एड्रेस में आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना होगा ऑन और बिफोर 14 अक्टूबर 2017, ठीक है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेम्बर पे। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 14 अक्टूबर 2017। आपको इस डेट को ध्यान में रखना होगा। तो अब मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यह है इसका फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप यहां से इसका फुल डिटेल्स सही तरह से चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, यह है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको यहां पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना होगा, उसके बाद आपको यहां पे अपना खुद का पर्सनल इंफॉर्मेशन सही तरह से फिलअप करना होगा और लास्ट में आपका सिग्नेचर करना होगा यहाँ पे। उसके बाद आपको भेज देना होगा इसका ऑफिशियल एड्रेस पे, मतलब मेल मोटर सर्विस नंबर 4 भुवनेश्वर रोड बेंगलुरु 5,06,001। आपको इस एड्रेस में एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देना होगा, ठीक है। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे इसका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ अगर आपको इस जॉब के बारे में कोई भी इंक्वायरी है देन आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं एज सुन एज आपको रिप्लाई देने की ट्राई करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।